स्वागत है आपका पूजा के ब्लॉग में। और फ्रेंड जैसे कि आपको दिख रहा होगा अंधेरा हो रहा है, रात हो चुकी है, तो मेरे को आज बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा अभी चालू कर लेते हैं वीडियो। और जैसे कि डिनर बन रहा है हमारे घर में दाल चावल, क्योंकि दोपहर को सुबह पराठे बनाए थे ना, थोड़ा हैवी सा हो रहा था खाना, तो इसीलिए मैं घर का खाना बना लेती हूँ दाल चावल। तो दाल चावल बना रही हूँ, दिखाती हूँ। तो चावल तो बन चुके हैं फ्रेंड मेरे, उबाल के बनाती हूँ और दाल में तड़का मार रही हूँ। बस दाल ऐसे बनाते हैं, चटपटी से बनाऊंगी थोड़ी सी। और फ्रेंड बच्चे जिद कर रहे हैं आलू के पराठे के, तो मैंने आलू धो के डाल रखा है, तो मैं दाल में ही डाल दूंगी, उबल जाएंगे। तो सुबह बनाऊंगी, अभी नहीं, सुबह लंच में इनके लिए स्कूल जाएंगे ना, तो सुबह दाल में मतलब डाल देती हूँ, उबल जाएंगे। मैं जब भी बच्चे कहते हैं ना तो इसे मैं उबाल लेती हूँ दाल में डाल के। तो इसे देखो भूख लग रही है, इसे बनाना चाहिए, बनाना भी कोई टाइम नहीं है इनका फ्रूट खाने का। अभी मैंने शाम को इनको नाशपाती मौसमी काट के दिए थे ना, और चाय से रस भी खिलाए थे ना। इतनी देर में बना दो तो बच्चे से मम्मा ये भी तो कहते हैं दूध पी लो, दूध तो तुम्हारे मुंह में चलता नहीं है। आप दोगे तभी तो पीता हूँ मैं। देखो देखो अपनी गलती नहीं मानोगे तुम, लाओ हाँ। अब खाने का टाइम है, अब कोई दूध नहीं, रात को पीना। बच्चे ना अपनी गलतियाँ नहीं मानते, मैं दूध की कह रही थी, दूध नहीं कह रहे, हाथ में गर्म करके दोगे तो जब पियेंगे। तो फ्रेंड ये आलू डाल देती हूँ मैंने अच्छी तरह से धो रखी कि दाल कितनी ना हो जाए। हाँ क्यों नहीं चल रहा भाई टीवी? देखिए अभी लाल लाल दाल लग रही है, थोड़ा सा तेल दिखता है, दाल जब तक पकेगी ना सही हो जाएगा, दिखाऊंगी आपको। ढक्कन लग चुका है, अब दाल पीला जो है ये खंगाल के रख दूंगी, क्योंकि अभी धुला हुआ ही था ये। सुबह को जब दूध उबालते हैं ना इसमें, तो हम धोते हैं। चलो अब करती हूँ मैं ऊपर, क्या कह रहा है सुनती हूँ। हाँ क्या कह रहे हो, क्या नहीं हो रहा? चलता तो है यार, आप देखते नहीं हो, पता नहीं समझ। आपको जल्दबाजी रहती है ना रिमोट छेड़ने की। अभी चलेगा, देखो आप चल गया ना, बंद करा तो चल गया, अब चल गया ना। अब देखो ये बनाना का छुकल कहाँ फेंकते हैं, कहाँ फेंकते हैं? मैंने खाया तो लिया। तो खाने के बाद वो बैग कैसे फेंक रखे, उठा कर रख, पहले उठाओ। देखो इस पे रखा था ये चढ़ने की वजह से, टीवी चलाने की वजह से इन्होंने कर दी। देखो जैस उठा के तमीज से रख रहा, मारू चाटा। फ्रेंड मैं ऊपर आई हूँ तो इन्होंने उक्का लगाया जी, जय रानी राशन लेने गए हैं। और मैंने कल ही कपड़े धोए तो आज ही ढेर लग गए, देख लो मशीन और ये हाथ से धोए सारे कपड़े। बच्चों की ड्रेस, इनकी ड्रेस थी और रानी के सूट थे हाथ से धोने वाले, मम्मी का एक सूट था, ये जो लाइनिंग वाला दिख रहा है आपको। जैसे कि आपको पता ही सावन है, तो सावन में सभी के हाल ही घर पूजा होती है, सावन में सब पूजा करते हैं, तो हमारे घर में भी ऐसी होती है। जीजा करते हैं लेकिन जीजा कई बार नहीं कर पाते पूजा, तो ये कर लेते हैं या काकू कर लेते हैं, कुछ मतलब कर लेते हैं ये लोग। तो अभी पूजा हो गई, विनय नहाने गए, विनय नहा के आएंगे फिर ड्यूटी जाएंगे, उनकी लाइन की ड्यूटी है। तो आज मौसम ऐसा हो रहा था कि अब बरसा देख सकते हो आप, बादल ऐसे आंधी आ रही थी अभी बहुत तेज, और बिल्कुल काले बादल हो गए थे, एक बूंद भी ना बरसे। सागर भैया को अभी रहे तो पांच घूट मारने पड़ते हैं दही देवताओं के। चुके हैं ये, फोन देख रहे हैं। तो कल बांधूंगी मैं रस्सी तो मम्मी लेके आई है, इन्हें इसे छुपा के जाऊंगी कहीं हमारी रस्सी कोई छत पे से ले जाए, कुछ पता नहीं। इसे यहाँ रख दूंगी, कोई समझो का कूड़ा है, यहाँ रख दूंगी कूड़ा है पर दिख रही है हवा चली, देखे फ्रेंडली रस्सी। तो अब खाना बन जाएगा, दाल बनने वाली है, बस सीटें आएगी तो फिर खाना खाएंगे हम। रानी तो लेट हो जाएगी, 10-11 बज जाएंगे बेचारे को। आंटी
फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कल है 30, तो कल के दिन देखते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं है। हाँ जी प्रिया मम्मा को आवाज मार दो, जो प्रिया मम्मा को आवाज मार दो जल्दी में ऊपर वो भी जो मैं ऊपर से जल्दी से भाग भाग के आई हूँ, क्योंकि दरागो आवाज मार रहा था, बाबू ने पोटी कर दी थी तो पोटी साफ धोई उसके भी आके लगता है हमारा कुत्ता थोड़ा ऐसे ही हो रहा है ढीला ढाला सा निकलता है, तो इस प्रकार रखे पोटी फोल्ड कर रखा है, तो ये आ चुके हैं नीचे। इसकी आवाज कम करवा दो, टेंट दिख रहा होगा आपको, फ्रिज बता लत भरी पड़ी है हमारी, तो इसलिए भरी पड़ी है क्योंकि रात सब्जी लेके आई है रानी, उसमें जाएंगे नाइट ड्यूटी करने, तो वो बोल रहे भाभी खाना बना के अच्छा बस बन गया, एक सीटी और आ जाए खोल दूंगी कुकर। फ्रेंड अब मैं कुकर खोल देती हूँ, ज़्यादा टाइम हो गया बच्चों और विष्णु को लेट हो जाएगा ज़्यादा, तो फ्रेंड देखिए देखिए ये ना बताती हूँ आज आपको, ये देखिए पानी निकलता है ना इसमें सारा मसाला निकल जाता है, तो इसीलिए ना हमेशा इस पर पानी डालना चाहिए, कुकर पे पानी डालोगे ना तो प्रेशर निकल जाएगा और पानी अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही हवा तक नहीं निकलती तो पानी कहाँ जाएगा। तो देखिए अब देखते हैं प्रेशर कैसा है, अभी है प्रेशर इसका निकल जाता, नहीं तो इसके पानी में ना सारा मिर्च मसाले निकल जाते हैं, उबली उबली सी रह जाती है सब्जी सारी, दाल वगैरह मतलब जो भी है। प्रेशर निकल के अब खोल के देखते हैं, देखो अभी नहीं निकल रही ना, वो ज़्यादा प्रेशर होता है ना जब निकलती है दाल, खोलते हैं चलो देखते हैं। देखिए है ना मसाला पूरा दाल में, चला के देखेंगे हमारे आलू भी हो गए होंगे, वाह अभी गाड़ी पर गाड़ी लग रही है, क्योंकि अभी चलाऊंगी तब सही होगी, क्योंकि तो हमारे घर में ज़्यादा पतली दाल कोई पसंद नहीं करता, गाड़ी करते हैं देखते हैं आलू हो गए कि नहीं, चक्कू मैंने धो रखा था, हाँ आलू हो चुके हैं, तो पहले आलू ही निकालूंगी मैं किसी बर्तन में, आलू निकालूंगी इसमें बाद में जब बनाऊंगी जब धो लूंगी, दाल के हो रखे हैं वैसे तो मसाला ही डालते हैं हम, तो आप भी बना सकते हो ऐसे कोई मतलब वो सिर्फ डालते हैं, मैंने तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई थी दाल, अब सही है, बस एक हद का आएगा तो बंद कर दूंगी मैं। विनय भी आ चुके हैं खाना खाने, तो ये ढक दूंगी मैं ऐसे ही, थोड़ा टाइट होंगे तो ये भाप में हो जाएगा, हाँ जी खाना तैयार है लियो खाना, जैसा आपको दाल चावल तो पराठा है, पराठा दाल चावल। फ्रेंड्स सबको खाना दे दिया, अब ये है इनका खाना पराठे थे, ये है मेरा खाना, मैं इसमें से भी बचा दूंगी, थोड़े से चावल देती हैं लेकिन मैं इनमें से भी बचा देती हूँ, और मैंने जैस को खाना दे दिया, जैस खाना खा रहा है मेरा बेटा, वो पता दाल चावल मिला के फिर पराठे से रोटी पराठे से खा रहा है। प्रिया है ना अंदर, क्या हुआ प्रिया, तो हाँ हाँ खाना खा रहे हैं हम सब, देखिए खाना वाना तो लेट गए थे, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं तो सोई नहीं थी, तो 9:30 बजे से सो गए दोनों बच्चे और ये भी सो गए थे, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, फिर रानी आई 11 बजे राशन दे के, तो 11 बजे राशन दे के जीजा चिल ला रहे कह रहे सब मेहंदी लगा रहे हो, कल थी तो मैं मेहंदी नहीं लगाई, तो मैंने ऐसी नॉर्मल सी मेहंदी लगा ली है, हार नहीं इसी का कैन भर गई है, तो ये पानी निकालना है डाइपर से, रात के 12 बजे देखिए जीजा बहुत गुस्सा कर देता है, तो मेरे को लगानी पड़ी सर दर्द में, तो मैंने गोली खाई रानी दवाई, रानी के पास रखी थी दवाई, सर दर्द में मैंने दवाई खाई तो अब आराम है सर में, नींद ही नहीं आ रही मुझे, 9:30 बजे भी लेटी लेटी हुई ऐसी ही आँख खोल के लेटी हुई, मैं नींद आ रही थी मुझे, तो ये आ चुके हैं कहाँ से इसी पानी बाई पर मार के,
सो गए थे सर, राशन करके लाए, राशन उठा के लाए थे वहाँ देखिए चुन्नी लग गई आवाज़ मारी। तो फ्रेंड इस ब्लॉग का मैं यहाँ करती हूँ लाइक सब्सक्राइब और अच्छे से कमेंट करना, कमेंट में बताना कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग। मिलते हैं ब्लॉग में, बाय।